हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरा चैनल गार्डन वाले एचडी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एडेनियम का क्यार मानसून के बाद किस तरह से करेंगे, क्या इसको फर्टिलाइजर देंगे, उसका मिक्सचर क्या क्या होगा और किस तरह से आप इसको रखेंगे, इस वक्त आपको एडेनियम में क्या क्या काम करना होगा, इन सब पर आज का ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सितंबर की 28 तारीख है और मानसून धीरे धीरे जा रहा है और हम लोग विंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस मानसून के जाने के बाद से लेकर विंटर आने से पहले तक हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा उतर चढ़ाव होता रहता है। तो इस वजह से आप लोगों की, कई सारे लोगों की जो एडेनियम है उनकी जो पत्तियाँ है वो पीली पड़ने लगता है या फिर थोड़ा थोड़ा काला धब्बा आना लगता है। तो दोस्तों, जो मानसून के जाने के बाद जो हमारे एडेनियम की जो पत्तियां पीले पड़ने लगते हैं, जैसे मैं ये वाला थोड़ी दिन पहले ही नर्सरी से लाया हूँ, आप देखकर समझ ही सकते हैं। तो इसकी भी पत्तियां देखिए दोस्तों, ये पीले पड़ने लगता है। ये पीला पड़ना कोई मुश्किल का बात नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब हमारे यहाँ पर टेम्परेचर अप डाउन होता है या फिर मानसून वेदर चेंज होता है, तब एडेनियम में होता रहता है कि इनकी पत्तियां थोड़ा थोड़ा पीला पड़ना लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, जैसे मेरे इस प्लांट को देखकर आप समझ ही सकते हैं, इस प्लांट को आप देखिएगा तो इसकी कोई भी पत्तियां पीली नहीं पड़ा है, क्योंकि इसको केयर उस तरह से किया गया है। दोस्तों, मेरा ये एडेनियम का प्लांट हमेशा बाहर ही रहता है, यहाँ तक कि मानसून के वक्त जब बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है तब भी मैं अपने इस एडेनियम की प्लांट को बाहर ही रखता हूँ। आप इसकी मिट्टियों को देखकर समझ ही सकते हैं, इसके ऊपर हरे कलर का ये आ चुका है। तो इसे बाहर रखने से इसको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होता है और साथ ही इनको फर्टिलाइज़र देना भी ज़रूरत होता है। दोस्तों, मानसून के चलते वक्त हम लोग एक अलग तरह से इसको फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन मानसून जाने के बाद और विंटर आने से पहले हमें इसको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट करना होगा। दोस्तों, मानसून चला गया है तो इस वक्त आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप पहले तो इसको हर 15 दिन में एक बार किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड लेकर अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा और इसकी जो रूट के आसपास है यानी कि पॉट के ऊपर भी आप थोड़ा सा फंगीसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें किसी भी तरह का फंगस लगने का कोई डर नहीं रहेगा। साथ ही आपको इसे एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी देना होगा जिससे कि यह अभी थोड़ा ग्रोथ ले सके। तो दोस्तों, मैं आपको और एक बात दिखा देता हूँ। दोस्तों, कई लोगों की एडेनियम जो होता है वो मानसून जाने के बाद इनकी ये जो बल्ब होता है वो थोड़ा तपतपा होता हो जाता है, यानी कि पकड़ने से वो अंदर की तरह थोड़ा दब जाता है। लेकिन आप देखिए, ये वाला बहुत ही टाइट है। तो जो एडेनियम बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा, उसी का ये ट्यूब ऐसा सॉलिड रहेगा। और ये देखिए दोस्तों, पूरा ग्रीन कलर है, भूरे कलर का नहीं आया है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपकी भी एडेनियम ऐसा स्वस्थ है और तंदुरुस्त है तो उसे और भी अच्छे रखने के लिए आपको इस वक्त इसको थोड़ा फर्टिलाइज़र देना होगा। जो चीज़ इसको अभी ज़रूरत है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र बनाना होगा, इसी के लिए स्पेशली सिर्फ एडेनियम में डालने के लिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे गार्डन की जो बाकी जो प्लांट है उनके मुकाबले हमारे जो एडेनियम होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, तो इसका रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। तो इसीलिए इनकी ज़रूरत के हिसाब से हमें फर्टिलाइज़र को तैयार करना होगा। तो दोस्तों, आप इसके लिए जो फर्टिलाइज़र बनाएंगे वो तो मैं बाद में दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त आप लोग और क्या क्या काम कर सकते हैं एडेनियम के ऊपर। दोस्तों, इस वक्त अगर आप लोग नर्सरी विजिट करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा एडेनियम का प्लांट मिल जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला प्लांट लेकर आया हूँ और ये वक्त सही होता है इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए, इनके केयर करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब विंटर आ जाता है, विंटर आने के बाद हमारे जो एडेनियम का प्लांट है ये डोमिनेटेड मोड में चला जाता है, उस वक्त इनको
इनकी किसी भी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता है, तो उस वक्त अगर आप लोग रिपोर्ट करेंगे या फिर किसी भी तरह की इसका कटिंग हो या फिर मिट्टी चेंज कर कुछ भी करेंगे तो वो इसका कोई काम में नहीं देगा और वो आसानी से सर्वाइव भी नहीं करेगा। तो आपको जो भी काम करना होगा विंटर से पहले काम कर लेना होगा, क्योंकि विंटर के बाद आप इसको इसकी हालत में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त ये किसी भी तरह से कुछ भी लेने की हालत में नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि आप क्या क्या लेंगे इसके लिए, क्या क्या इसकी ज़रूरत है इस वक्त और किस तरह से आप इसके मिक्स्ड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले सभी इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या क्या लेंगे अब आपको बताते हैं। दोस्तों अभी हमारे एडेनियम को ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, इसको हमें नाइट्रोजन देना होगा, फास्फोरस देना होगा, कैल्शियम इसको चाहिए, साथ ही इसकी ग्रीननेस बरकरार रखने के लिए और सर्दियों के बाद अच्छे से इसमें फूल आने के लिए भी पोटेशियम की ज़रूरत होता है। तो उन सभी चीज़ें हम इसको देंगे और एक लिमिटेड मात्रा में देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ले लेते हैं हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट ज़रूरत है। तो दोस्तों नाइट्रोजन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गोबर की खाद। तो दोस्तों हम एक टेबलस्पून ले लिया है और इस टेबलस्पून में लगभग इसकी 4 टेबलस्पून हम इसमें ले लेंगे गोबर की खाद, पूरा एकदम भर के ले लीजिएगा। दोस्तों इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमारे प्लांटों को, तो इसे हम दे सकते हैं। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, आप सीबिट एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी गोबर की खाद है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपको चाहिए फॉस्फोरस के जो जिसमें मात्रा होगा वो, यानी कि बोन डस्ट, आप बोन डस्ट ले सकते हैं इसको, और बोन डस्ट को आप सेम एक ही मात्रा में लेंगे जितना आपने गोबर की खाद लिया है, उतना ही आपको बोन डस्ट भी लेना होगा, यानी कि 4 चम्मच आप बोन डस्ट इसमें ले लीजिएगा। दोस्तों बोन डस्ट में फास्फोरस का मात्रा होता है, साथ ही इसमें कैल्शियम भी आता है जो हमारे पौधों की रूट डेवलपमेंट और साथ ही पौधों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। साथ ही हम इसमें देंगे थोड़ी मात्रा में पोटेशियम, लगभग 1 टेबलस्पून हम इसमें पोटेशियम का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सर्दियाँ जाने के बाद आप लोगों ने देखे ही होंगे कि हमारे जो एडेनियम का प्लांट होता है उनमें फूल आना शुरू हो जाता है, और इसके लिए हमें इसको पोटेशियम देना होगा। साथ ही इसकी जो ग्रीननेस है, जैसे आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं, इसकी कोई भी पत्तियां वगैरह पीली अभी तक नहीं हुआ है और ये अभी बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी है। और साथ ही आप इसकी पत्तियों का चमक देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ग्रीन कलर का है, एकदम पूरा एकदम चमकीला है। तो ये जो मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं, ये इसकी वजह एक ही है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत मैं जब भी फर्टिलाइज़र देता हूँ इसमें थोड़ा बहुत मैं पोटेशियम का इस्तेमाल करता हूँ। आप सिर्फ मेरे ये एडेनियम की प्लांट ही नहीं बल्कि जितने भी प्लांट में दिखाता हूँ, आप उनकी पत्तियों की तरफ अगर ध्यान देंगे तो देखिएगा कि उनमें जो ग्रीननेस है, जो ग्रीन कलर का जो चमक है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो इसी वजह से है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें लेंगे सुपर फॉस्फेट। दोस्तों सुपर फॉस्फेट हम इसमें लगभग 1/2 टेबलस्पून लेंगे, या 1/2 टेबलस्पून हम सुपर फॉस्फेट को इसके अंदर मिला देंगे। और इसके साथ हम देंगे डीएपी। डीएपी को देंगे हम अनुखादक के रूप में, यानी कि जो चीज़ें इनमें नहीं मिलेगा वो डीएपी में इसको मिल जाएगा आसानी से। तो डीएपी हम कितना लेंगे दोस्तों, डीएपी हम लेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। ये देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही डीएपी इसके लिए लिया है और इसको मैंने ले लिया। और इसके साथ आप और एक चीज़ मिलाएंगे दोस्तों, कोई भी बैलेंस एनपीके अगर आपके पास होगा, यानी कि 20-20-20 या फिर 19-19-19 अगर है आपके पास, तो इन दोनों में से कुछ भी चलेगा, इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो वो चलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 1/2 टेबल स्पून देंगे,
ये इसके लिए काफ़ी होगा। तो हाफ टेबल स्पून हम ले लेंगे ये 19 मेरे पास ये वाला है तो मैं इसको दे रहा हूँ, और आपके पास अगर 20 रहेगा तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी बैलेंस एनपीके है। तो दोस्तों मैंने इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को ले लिया है, और मैं इसके साथ और एक चीज़ एक्सेस ऐड करना चाहूँगा जो है नीम कली, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर लगभग एक हफ्ते पहले ही बहुत बारिश हो रहा था, तो ये एक हफ्ता हुआ है बारिश बंद हुआ है, अभी बारिश नहीं हो रहा है, तो इसकी मिट्टी में फंगस वगैरह अगर होगा तो हम अगर नीम खली पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो वो फंगस वगैरह चला जाएगा। तो हम इसके लिए एक टेबल स्पून भरकर हम ले लेंगे नीम खली के पाउडर। तो दोस्तों हम ये नीम खली के पाउडर ले लेंगे, और अब हमारे लिए ये जितने भी हमने जो चीज़ें लिया है ये अब हमारे प्लान के लिए एकदम जो भी उनको उसको चाहिए वो सभी हमने इसमें ले लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों ये वाला सिर्फ स्पेशली हम एडेनियम को देने के लिए तैयार करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले मेरे एडेनियम की प्लान के ऊपर बाकी वीडियोस भी देखे होंगे, उसमें आपने देखा है कि हमारे जो एडेनियम का प्लांट है उसमें कितना ज़्यादा फूल आता है, साथ ही उसका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा हमारे एडेनियम की जो प्लांट है उसके लिए ये अलग तरह से मैं फर्टिलाइज़र को तैयार करता हूँ। तो दोस्तों हमने हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो सभी हमने मिला लिया है अच्छी तरह से। अब आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे और कितने दिन बाद बार इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसे आप हर 10 से 15 दिन में एक बार अपने एडेनियम के प्लांट पे दे सकते हैं। तो कितनी मात्रा में देंगे दोस्तों, अगर ये मेरा जो एडेनियम का प्लांट है ये लगभग मेरे पास ये 2 साल का पुराना एडेनियम का प्लांट है, तो इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून इसको दूंगा। 1 टेबलस्पून लेंगे और इसके इर्द गिर्द से पूरा चारों तरफ से हम इसको दे देंगे। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा हम इसको नहीं देंगे, पूरा एकदम चारों तरफ से हम इसको दे देंगे, एकदम पूरा किनारे किनारे से इसको दे देंगे। और एक बात दोस्तों, आप जब भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे उसके तुरंत बाद आप अपने प्लांट को पानी दे दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पानी देने से क्या होगा, ये जो आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं ये फौरन अपना काम करना चालू कर देगा। साथ ही अगर आपके पास नया जो एडेनियम का प्लांट अगर आप लोग प्लांट किए हैं इस साल, एकदम नया है मतलब 4-5 महीने ही हुआ है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका सिर्फ 1 टीस्पून उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस वक्त से अगर आप इस तरह के फर्टिलाइज़र लगभग 10 से 15 दिन के बाद बाद अगर आप इस पर इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी आने से पहले तक इसको जितना इसमें से इंग्रेडिएंट्स वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह इसको लेना है ये ले लेगा, क्योंकि सर्दियों के वक्त ये कोई भी काम नहीं करेगा। और सर्दियाँ जाने के बाद जब समर जब आएगा, जब गर्मियाँ जब आएगा, तब गर्मी की पहले शुरुआत से ही ये फूल देना स्टार्ट कर देगा। और इस वक्त आप इसको पूरे एकदम धूप में रखेंगे, पूरे सीधी धूप में रखेंगे, पूरे दिन का धूप इसको मिलना चाहिए इस वक्त, क्योंकि एडेनियम की प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए मैं इसको इस वक्त ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पर इसको पूरे दिन का धूप मिले, क्योंकि धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों इस तरह से आप फर्टिलाइज़र देने के बाद हल्का सा थोड़ा गुड़ाई कर दीजिएगा, इससे क्या होगा दोस्तों आपके प्लांट की उर्वरक की जो मिट्टी है उसके साथ आपने जो फर्टिलाइज़र दिया है ये उसके साथ पूरी तरह से मिल जाएगा, जो आपके प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और इससे इसको इसे लेने में भी आसानी होगा। तो इस तरह से आप अपने जितने भी एडेनियम है इसका ख्याल रखिएगा अभी। और साथ ही दोस्तों और एक बात, इस वक्त अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं यानी कि नए प्लांट लाकर अगर आप पॉटिंग करना चाहते हैं तो ये वक्त बिल्कुल सही है इसकी पॉटिंग के लिए। तो दोस्तों ये वाला जो प्लांट है, ये वाला प्लांट को मैं पॉटिंग करूँगा बहुत ही जल्द,
तो उसके ऊपर भी अपडेट बहुत ही जल्द आने वाला है कि आप इसके लिए सॉइल मिक्सचर किस तरह से तैयार करेंगे, कैसे पॉट आप इसके लिए चुनेंगे और इसको किस तरह से रखना चाहिए, उन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के वीडियो में, बस यहीं तक। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन वाले जी के बाकी वीडियोज़ को। चलता हूँ दोस्तों।